पाकिस्तानियों के अमेरिका के बारे में बहुत ही मुतज़ाद किस्म के ख्यालात हैं। अक्सर पाकिस्तानी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं और बड़े ज़ोरों शोर से उसकी मजम्मत भी करते हैं, लेकिन बेशतर पाकिस्तानी अमेरिकन वीज़ा हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं और वो ये समझते हैं कि अमेरिका जाकर उनके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे और वो तरक्की की राह पर चल निकलेंगे। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई अमेरिका लैंड ऑफ ड्रीम्स है? क्या कोई भी आम आदमी यहाँ आकर तरक्की हासिल कर सकता है? सबसे पहले मैं अमेरिका के एक मगरबी कोने आइडाहो सूबे में एक छोटे से शहर पोकाटेलो में आई हूँ। यहाँ पर मैंने सुना है कि दो पाकिस्तानी डॉक्टर भाइयों ने थोड़े से अरसे में कामयाबी और शोहरत के पहाड़ सर कर लिए हैं। मैं फहीम और नईम रहीम से मिलने आई हूँ और उनसे ये जानने आई हूँ कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, उनका यहाँ कैसे आना हुआ। फहीम और नईम रहीम कराची की आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी से फारगुल तहसील होने के बाद 1998 में अमरीका रेजिडेंसी करने आए। 2005 में वो न्यू जर्जी से आइडाहो मुंतकिल हुए और अपना पहला डायलिसिस सेंटर खोला। उनकी काबिलियत और उनके सेंटर की उमदा सहूलियात ने उनकी शोहरत को चार चांद लगा दिए और अब इस इलाके में दूर दूर से लोग इनके पास गुर्दों के इलाज के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रेडी चलें फॉर अ टूर ऑफ पोकाटेलो आइडाहो। My good friend Alex, and that gentleman right there is my brother. Dr. Fahim ki aaj ek lunch meeting hai jis pe wo mujhe apne private jahaz mein saath le gaye. Hum aapko Sun Valley le ja rahe hain jo Idaho ka dil hai aur jo America ka pehla ski resort hai. तो जैसे हमारा नथिया के लिए तब अमेरिका में सन वैली है। आज एक हमारी बड़ी मीटिंग है, उसके लिए जा रहे हैं। चला देखते हैं कैसा होता है। जब आप अमेरिका में आए तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि बड़े बड़े शहरों में नाम पैदा करने की कोशिश करें और वहाँ कुछ अचीव करें, मगर ये इतना दूर यहाँ पर आकर सब कुछ। बड़े शहरों में भी गए, एजुकेशन मिली। अब बड़े शहरों में है कि हर कोई वहीं जाना चाहता है। सब जब वहाँ पे 50 हैं 40 हैं 60 लोग होते हैं और आप एक 61 और 65 बंदा वहाँ पे पहुँचते हो तो आप उस पर वो डिफरेंस नहीं ला सकते जो आप उन जगहों में ला सकते हैं जहाँ पे लोग नहीं हैं, जहाँ पे ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी जहाँ पे ज़रूरत है, अगर आप वहाँ जाएँ आप बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। तो हमने सोचा हम उस जगह पर जाएँ जहाँ पर हम काम भी करें तो उसका सिला हमें एकदम पता चले, लोग रिकग्नाइज करें जहाँ पर ज़रूरत है। तो उस वजह से हमने आइडाहो को चूज़ किया। ये आइडिया किसका था? अपना? इसका आइडिया था, बाकी काम मुझे करना पड़ा। तो सबसे पहले सक्सेस को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी जरूरत कहाँ ज्यादा है। हमने वो जरूरत को आइडेंटिफाई किया मिलके, मैंने मेरे भाई ने, फिर हमने यहाँ आके एक अस्पताल खोला, अपना ऑफिस खोला। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन कोई नहीं आया, तीसरे दिन एक बंदा आया, अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। उसकी वजह से लोगों ने आना शुरू किया, नाम ऊँचा होता गया। एक से दो अस्पताल खुले, हमने डायलिसिस यूनिट्स बनाए। यहाँ लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था अपने इलाज मुआवजे के लिए, हालांकि आप समझ रहे हैं अमरीका है, यहाँ तो हर चीज़ होनी चाहिए। तो हमने वो सर्विस जब उनको प्रोवाइड की और वो आने लगे तो एक से दो अस्पताल बने, दो से तीन बने। मोटो हमेशा ये रहा है
कि डू द राइट थिंग एंड सक्सेस विल फॉलो। हम सब सन वैली लॉज आए हैं। सन वैली एक स्की रिजॉर्ट तो है ही, लेकिन ये खास तौर पर इसलिए भी मशहूर है कि बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार्स यहाँ पर मीडिया से दूर हॉलीडे करने आते हैं। सन वैली पहुँचने के लिए सबसे तेज तरीका बाय एयर ही है। नहीं, मैं फिर दोबारा पूछूंगी। इस वक्त हम चेयरलिफ्ट के अंदर हैं, ये भी एक जर्नी है, और मैं आपकी जर्नी के बारे में फिर पूछूंगी कि इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिली है, माशाल्लाह, कैसे हासिल की? मुझे बड़ा सच्चा जवाब चाहिए, क्योंकि इस वक्त लाखों करोड़ों लोग आपका ये जवाब जो है वो सुन रहे होंगे। हमने एक मोहसिन के साथ पार्टनरशिप की और उसका हम पे ट्रस्ट, हमने उसके दिए हुए ट्रस्ट को कई दफ़ा मल्टीप्लाई किया। अपने उस कामयाबी को जो हमने हासिल की है, जिसको मेहनत करके हमने हस्पताल बनाए, डायलिसिस यूनिट्स बनाए, उससे और लोगों को फायदे पहुंचाए। आइडहो में किसी से भी पूछे कि डॉक्टर फहीम, तो वो हर कोई आपको जानता है और बहुत पॉजिटिवली आपके बारे में कमेंट्स देता है। कसम ने हर एक से जब से मिले उसका पहली बात ये बताई कि हम मुसलमान, फिर हमने कहा हम पाकिस्तान से, हमने कभी ये झिझक नहीं किया हम कहीं के यार मैं यहीं का हूँ, मैंने नहीं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर रहीम, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और हम यहाँ रहते हैं। फिर हमने कहा अब तुम्हारा मुल्क है, हमने कहा पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, अमरीका भी हमारा मुल्क है। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जिस तरह आपकी दो इलादें होती हैं ना, आप एक को दूसरे ऊपर चूज़ नहीं कर सकते, हम उस समय अमरीका भी हमारा मुल्क है, पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है। फहीम और नईम अपनी प्रैक्टिस को और फैलाने की तगदो में मसरूफ हो गए, और मैं अमेरिका के इस खूबसूरत इलाके में ये सोचती रह गई कि कम से कम इन दोनों के लिए तो अमेरिका सचमुच में ख्वाबों की ताबीर ही साबित हुआ है। पोकाटेलो में मेरी मुलाकात फहीम और नईम की फैमिली से भी हुई। आज एक कजिन के बेटे की सालगिरह पर एक छोटी सी तकरीब है। नईम और फहीम की फैमिलीज आइडहो की खुली फिजा को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। बच्चे दोपहर को फेंसिंग भी सीखते हैं। जी नईम, अब कहाँ लेकर जा रहे हैं? रीमा आपको लेके जाएंगे एक ऐसी जगह पे जो कई लोगों ने पाकिस्तान में कभी देखी नहीं होगी। अच्छा, मसलन? इसका नाम है रोडियो। रोडियो? ये क्या चीज है? समझाने वाली नहीं, देखने वाली है। चले? चलिए। नहीं, फरारी में नहीं। क्यों? आप बहुत तेज चलाते हैं। चलिए फिर आपको दूसरी गाड़ी में लेके जाए। This documentary is about the Rahims and their so-called success and travels to the state of Idaho. Saved my son's life. Matt ने अपने भाई को अपनी किडनी दी जो मेरा मरीज था, और आज वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। Good job, man. Thank you. Reema, and you already know Reema, I guess. Yes, I do. Oh, really? Yeah, I had a Pakistan class up in my college, and I did a demonstration on pop culture in Pakistan, and so I did a demonstration on you.
course, she's the most famous actress in Pakistan, so that's how I knew who she was. So, yeah, when I saw her, I was like, oh my gosh, I know her. So, yeah. फहीम और नईम अपनी खाला की बेटियों से शादीशुदा हैं। शादी की सालगिरह पे उनके घर पर एक बड़ी दावत थी, जहां उनकी फैमिली के अलावा उनके सोशल सर्कल के और लोगों से भी मुलाकात हुई। यहां मेरी मुलाकात उनके मोहसिन और बिजनेस पार्टनर मार्क कपूटो से भी हुई। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 22 सालों में जब से मैं ये कर रहा हूं, मेरे इस सवाल कि आप कहां सेटअप करना चाहते हैं, कभी किसी ने इसका जवाब ये नहीं दिया कि वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक दफ़ा किसी ने यह जवाब दिया है और वो नईम थे, और फिर फहीम ने भी इसकी तायीद की। ये इनके खिदमत के जज्बे और संजीदगी की निशानी है कि आप अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ा फ़र्क कहाँ पर ला सकते हैं। फहीम और नईम रहीम उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें कोई दूसरा मुल्क उसी तरह अपनाता है जैसे वो उसे अपनाना चाहते हैं, और इसकी वजह उनकी सख्त मेहनत और थोड़ी बहुत किस्मत भी शामिल है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ हर पाकिस्तानी की कहानी इन जैसी नहीं है, और मैं ऐसे लोगों से भी ज़रूर मिलना चाहूँगी। ख्वाब तो सब देख कर अमरीका का रुख करते हैं, लेकिन सबके ख्वाब पूरे नहीं होते। अमेरिका में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग अमेरिका के बाहर पैदा हुए हैं, और इनमें से तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ ऐसे हैं जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रहते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ फहीम और नईम रहीम की ज़िंदगियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। उनमें से एक मोहम्मद आमिर हैं, जिनसे मैं न्यूयॉर्क में मिलने गई, और वो मुझे अपने एक दोस्त के घर पर मिलने को राज़ी हो गए। आमिर, अमेरिका कब से हैं और यहाँ आप कैसे पहुँचे? जी, मैं करीबन 11 साल पहले आया था अमेरिका, और शुरू में तो यही था, विज़िट के लिए आया था। बिज़नेस का भी कुछ जहन में था तो वीज़े पे आया था यहाँ पे। यहाँ आकर फिर आपने मुख्तलिफ जॉब्स की? बिज़नेस के अलावा जॉब तो हर टाइप की। वो जॉबें भी की कि जो लोग सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जॉब की है, मैंने यहाँ पे गाड़ियाँ धोई हैं। बहुत सारे आंखों में ख्वाब लेकर आए थे आप यहाँ पर कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। कितने ख्वाब आपके उनमें से मुकम्मल हुए इन 11 सालों में? अभी तक तो कुछ भी उसमें कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ सफ़र जारी है उसका। जैसे आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ जाएँ तो हर चीज़ हमें जो है तश्तरी में तैयार मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत कम तादाद है जिनको सक्सेस मिलती है, जिनके ख्वाब पूरे होते हैं। वाकई ये बात है कि वो दूर के ढोल सहने वाली बात है। लोग वहाँ पे यही समझते हैं कि अमेरिका में जैसे ही आप लोग जाते हो अब हर चीज़ चेंज हो जाती है। उन लोगों के लिए भी यही है कि मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान है यहाँ पे। यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल है। जो लोग ये समझते हैं हम लोग वहाँ जाएंगे और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि आप इलीगल हैं और 3 बच्चे भी इलीगल हैं, तो आपको किस तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, और दिल में खौफ आता है कि कभी खुदा ना खास्ता कभी अपने ही किसी ने जाकर शिकायत लगा दी तो फिर मैं क्या करूँगा? अल्लाह का शुक्र अच्छे दोस्त हैं, और मैंने ज़्यादा मेल मिलाप इसलिए रखा भी नहीं है। प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बिलीव ये है कि जितने दिन रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो यहाँ से मिलेगा मुझे। जब यहाँ से ख़त्म हो गया
फिर मुझे कोई यहाँ पे कुछ नहीं देगा। अच्छा, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ख्वाब आँखों में बसा कर अमरीका आने का सोच रहे हैं और कश्तियाँ जला कर आने का सोचते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं कहूँगा। आपको यहाँ पर 3-4 साल धक्के खाने पड़ेंगे। अब चाहे जितने प्रोफेशनल हैं, जितने पढ़े लिखे हैं ना, आप यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस है और सबके लिए है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह। मेरा तो आपको मशवरा है कि आप वहाँ पर अगर सेट हैं ना तो बिल्कुल नहीं सोचें। आमिर साहब, आपका जो स्टेटस है उसकी वजह से आप वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते। एंड आई एम श्योर कि आपके बहन भाई वालदैन वो पाकिस्तान में ही हैं, उनको कितना मिस करते हैं और क्या दिल करता है कि सब कुछ छोड़ कर चला जाओ उनके पास? देखें जी, जहाँ तक मिस करने की बात है तो ये तो आप किसी से भी पूछेंगे, कोई सख्त इंसान भी जो है ना, वो ये चीज़ उसके लिए बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मजबूरियाँ हैं, हालात हैं, इस तरह के हो गए हैं कि अब कुछ हम मतलब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें मिस कर बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं। अपने भाई अम्मा अब्बा को कितना मिस करते हैं? अब्बा तो नहीं है, अब्बा का इंतकाल हो गया था, मैं उधर ही था पाकिस्तान में। तो अम्मा हैं माशाल्लाह, और असल बात यह है कि सबसे ज़्यादा उनको मिस करते हैं और मैं उनसे बात नहीं कर पाता। अब तो काफ़ी सहूलतें हो गई हैं, टेलीफोन पे पहले बात हो जाती थी, अब तो इंटरनेट पे उनसे बात भी हो जाती है। तो वो तो नाराज़ रहती हैं, वो कहती हैं कि तुम लोग जो है ना, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम लोग वापस आ जाओ, जैसे भी है ना तुम लोग छोड़ो इन सारी चीज़ों को, वापस आ जाओ, ये रिश्ते नहीं मिलते, जो सब कुछ मिल जाता है ये चीज़ें नहीं मिलती। तो उसका तो कोई बदल है ही नहीं। तो पछतावा होता है आमिर साहब? इस लिहाज से तो बहुत पछतावा है। आइडाहो और न्यूयॉर्क की कहानियों के बारे में मैं सोचती हूँ कि ये दोनों कितनी मुख्तलिफ हैं। यकीनन इनके बरक्स बेशतर लोग कुछ ख्वाबों को पा भी लेते हैं और साथ साथ थोड़े बहुत पछतावे भी इकट्ठे कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिकन ड्रीम की ताबीर मुमकिन जरूर है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं जितना हम पाकिस्तान में समझते हैं।